मंत्री याकूब कुरैशी की 100 करोड़ की संपत्ति चिन्हित, पुलिस जल्द करेगी कुर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। मेरठ पुलिस ने याकूब कुरैशी की 100 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित कर लिया है। जल्द ही पुलिस इस संपत्ति को कुर्क कर लेगी। अहम बात यह है कि ये संपत्तियां अभी तक पुलिस की निगाह से बची हुई थी। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने अपनी स्पेशल टीम लगाकर इन संपत्तियों को चिन्हित किया है। हाल ही में गैंगस्टर के आरोपी और 25,000 के इनामी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज याकूब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद याकूब और उसके परिवार के दूसरे सदस्यों की तलाश तेज कर दी गई है। वहीं पुलिस ने याकूब कुरैशी की आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी भी कर ली है। इससे पहले 31 मार्च को मेरठ पुलिस ने बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के मीट प्लांट अल-फहीम मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारकर अवैध मीट बरामद किया था, जिसके बाद अवैध रूप से मीट प्लांट संचालन के मामले में 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने यहां मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। याकूब फैमिली पर पहले इनाम घोषित किया गया और अब गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। पुलिस पिछले 7 महीनों से इन आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसके बाद गाजियाबाद से याकूब के बेटे फिरोज को गिरफ्तार किया गया। अब याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान की तलाश में पुलिस जगह जगह तबीज दे रही है। वहीं याकूब कुरैशी की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने पहले उसकी फैक्ट्री सील कर दी, अब उसके घर पर भी ताला जड़ दिया और अब उसकी काली कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस तलाश रही है। पुलिस ने अब तक 100 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की है। एसपी सिटी पीयूष सिंह की माने तो जल्द ही इन संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाएगा। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज।